भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी परिश्रमी अध्यक्ष भाई अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी और प्यारे भाई और बहनों आज स्वयं मेघराजा भी इस विजयोत्सव में शरीक होने के लिए हमारे बीच है। ২০১৯ लोकसभा का जनादेश हम सब देशवासियों के पास नए भारत के लिए जनादेश लेने के लिए गए थे। आज हम देख रहे हैं देश की कोटि कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया। मैं भारत के 130 करोड़ नागरिकों का सर झुका करके नमन करता हूं। लोकतांत्रिक विश्व में 2019 का ये जो मतदान का सिर्फ आंकड़ा है, ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। पूरे विश्व की यह सबसे बड़ी घटना है। देश आजाद हुआ, इतने लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन आजादी के बाद इतने चुनाव होने के बाद सबसे अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है, और वो भी 40-42 डिग्री गर्मी के बीच में। ये अपने आप में भारत के मतदाताओं की जागरूकता, लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूरे विश्व को इस बात को रजिस्टर करना होगा, पूरे विश्व को भारत की लोकतांत्रिक शक्ति को पहचानना होगा। इस अवसर पर मैं इस लोकतंत्र के उत्सव में लोकतंत्र के खातिर जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया है, जो लोग घायल हुए हैं,
परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना प्रकट करता हूं और लोकतंत्र के इतिहास में लोकतंत्र के लिए मरना ये मिसाल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। मैं चुनाव आयोग को सुरक्षा बलों को इस लोकतंत्र उत्सव की व्यवस्था को संभालने वाले हर किसी को उत्तम तरीके से लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाने वाली व्यवस्था देने के लिए बहुत ही उत्तम तरीके से चुनाव प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण से पूछा गया कि आप किसके पक्ष में थे। मैं समझता हूं उस समय महाभारत के काल में भगवान श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया था वो आज 21वीं सदी में 2019 के इस चुनाव में हिंदुस्तान के 130 करोड़ नागरिकों ने जनता जनार्दन ने श्री कृष्ण के रूप में जवाब दिया है। आज श्री कृष्ण ने जवाब दिया था कि मैं किसी के पक्ष में नहीं था, मैं तो सिर्फ हस्तिनापुर के लिए हस्तिनापुर के पक्ष में खड़ा था। आज 130 करोड़ नागरिक श्री कृष्ण के रूप में भारत के लिए खड़े थे, भारत के लिए मतदान किया था। और इसलिए देश के सामान्य नागरिक की भावना भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है।